वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का यह नोटिफिकेशन है 3/6/2022 का, और यह नोटिस तापस कुमार मुखर्जी सेक्रेटरी इंचार्ज वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ एचएस एजुकेशन के द्वारा दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को बताने का कारण यही है कि आपको पता चले कि जो 11 में एडमिशन लेने जा रहे हैं आप, तो आपकी एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगी, इस बात को बताने के लिए। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बताइए। तो चलिए बिन समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यह नोटिफिकेशन जो है वह हेड ऑफ हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है और बताया गया है कि जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं 11 में, उनके लिए जो मार्क्स होगा माध्यमिक परीक्षा में मिला हुआ मार्क्स वह कितना होगा तभी वह सब्जेक्ट पाएगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बोथ, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को लेने के लिए मिनिमम मार्क्स 35% डिसाइड किया गया है। मैथमेटिक्स लेंगे, स्टेट्स लेंगे, तो आपको मैथ्स में 35% लाना ही होगा क्लास टी एग्जाम में। बायोलॉजिकल साइंस लेना है, बायो साइंस लेना है, तो आपको लाइफ साइंस में 35% होना ही चाहिए। उसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं तो आपको फिजिकल साइंस में 35% मार्क्स लाना ही होगा। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी लेके पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में भी 35% से कम अगर है तो उसको 11 में ज्योग्राफी नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस भी लेना है तो आपको मैथ्स में 35% होना ही पड़ेगा। तो यह क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा 11 में एडमिशन लेने के समय में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और एक चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और एक नोटिफिकेशन को मैं दिखा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए बोलकर। यह 2 तारीख का नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि 11 में एडमिशन के लिए पहले सभी स्कूलों को परमिशन था, 275 बच्चों को आप 11 में एडमिशन ले सकते हैं। 11 मतलब अगर आर्ट्स है तो 11 होना, 11 आर्ट्स में 275, उसको आप बढ़ाकर 400 कर दिया गया है। तो इस कारण से 11 में किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे 400 बच्चों तक का एडमिशन लिया जा सकता है। तो इसी तरह के बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी मैसेज हो आप लोगों से संबंध रखने वाला, मैं लेकर आऊँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।